जैसे कि कपड़े की पैंट बनानी हो, कपड़े का सूट बनाना हो तो हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है, ऐसे ही जीवन में अगर किसी भी आदमी को अपना निर्माण करना है तो उसे अपने जीवन के सामने खड़ी हुई बाधाएं, जीवन के सामने खड़े हुए असंभव शब्दों में से करो कटिंग। जीवन में पहला विश्वास ये जग जाना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अतीत में कभी माना जाता था, कि देव विमानों में चढ़ना पुण्यशाली लोगों का काम है, हर आदमी के लिए असंभव है। मानव समाज ने इतनी प्रगति की, दुनिया ने इतनी प्रगति की और प्रगति करके इस बात को झुठला दिया, असंभव में से अ को काटा और आज हर शहर से देव। किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ बनना है ये मत सोचो आपकी उम्र क्या है, 80 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। भगवान ने आपको पूरे 100 साल की जिंदगी दी है, अगर आप हताश उदास मन के साथ जिएंगे आप 80 और 70 में ही मर मरा के पूरे हो जाएंगे, पर अगर आपके भीतर आपका कॉन्फिडेंस, आपके भीतर आपका विश्वास, आपके भीतर अगर एनर्जी फुल रहने की अगर औकात बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति 100 साल से पहले नहीं मर सकता, मरेगा वही जिसने मरने से पहले अपनी आशा और उम्मीदों को मार दिया है। जिसने अपनी आशा और उम्मीदों को मार दिया वही व्यक्ति मरेगा। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर वो सामने बैठे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति टोपी लगाकर, जब मैंने बोलना शुरू किया वो बुजुर्ग आदमी सोफे का सहारा लेकर आलसी की तरह बैठे थे, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मेरे 5 वाक्यों ने उनके भीतर ऐसी ऊर्जा भर दी, उन्होंने अपना सहारा छोड़ दिया और सीधी कमर होकर के बैठ गए। अगर आदमी को ऊर्जा भरे शब्द मिलते हैं, भाई साहब, जब सूखे पौधे को भी अगर पानी मिल जाए तो पौधा भी हिनहिनाने लगता है, अगर गधे को भी कोई प्रोत्साहन देने वाला मिल जाए तो गधा भी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, चींटी को भी अगर कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाए तो चींटी चींटी नहीं रहती बल्कि चींटी भी मकोड़ा बन करके और पूरे के पूरे पहाड़ को लांग जाया करती है। एक घर पर मामा जी पहुंचे और मामा जी ने पहुंचकर अपनी बहन से कहा, तेरा माथा खराब हुआ है, अरे तू अपनी बेटी को अभी तक पढ़ा रही है, तेरा पति गुजर गया तू विधवा का जीवन जी रही है, झाड़ू पोंछे लगा लगा कर तू अपना गुजारा करती है और उस गुजारे से अपनी बच्ची को पढ़ा रही है, पूरा कमा तो पाती नहीं, रोटी पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और तू है जो जिद पर जिद किए हुए है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर तैयार करूंगी। बहन चुप रहती है, भाई टेढ़े मेढ़े शब्द बोलता है, टीका टिप्पणी करता है और टिप्पणी करते हुए कहता है, अपन लोग ठहरे चौधरी और चौधरियों में बेटियों को ज्यादा पढ़ाने की परंपरा नहीं है, तू तो इसी साल से बच्ची को वापस स्कूल से बाहर निकाल, शादी वादी कर, उसका घर बसा दे ताकि तू लोड से मुक्त हो जाए, ताकि तू बोझ से मुक्त हो जाए। टेढ़े शब्द जो उसने बोले होंगे वो मैं नहीं बोल सकता, पर उसने अपनी बहन को बड़े टेढ़े शब्द सुनाए और सुना सुनो करके जब देखा कि बहन कोई जवाब नहीं दे रही है तो घर से मामा रवाना हो गया। बेटी अंदर बैठी बैठी रो रही थी कि मेरे मामा मुझे न जाने क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, मेरे मामा क्यों मुझे इस तरह से तौहीन कर रहे हैं। वो अपनी मम्मा के पास आई और मम्मा के पास आकर कहने लगी, मम्मा मम्मा। मामा मन में आए वैसे बोलते चले जा रहे थे,
आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मम्मा ने कहा, बेटा चढ़ते के साथ सब चढ़ते हैं और उतरते के साथ कोई नहीं उतरता। बेटा जवाब मुझे नहीं देना, बल्कि जवाब तुझे देना है। बेटा जवाब मुझे नहीं देना, जवाब तुझे देना है, और तुझे जवाब जबान से नहीं देना, बल्कि पढ़ लिख करके अपने परीक्षा परिणाम के द्वारा अपने मामा को जवाब देना है।